नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एमएस वर्ड के फॉन्ट और क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड और फॉन्ट हमने पढ़ लिया था। आगे है अपना पैराग्राफ। पैराग्राफ देखते हैं, पहले मैं कुछ फॉर्मूले की सहायता से कुछ टाइप कर लेता हूँ। बराबर RAND कोष्ठक एंटर। मैं ये कुछ वर्ड टाइप कर लिया हूँ। इसमें तीन पैराग्राफ हैं। अब सबसे पहले हमें अलाइनमेंट मिलता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट। देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाता है। राइट करता हूँ तो राइट से हो जाता है। और जस्टिफाई, जस्टिफाई जैसे हमारा कोई न्यूज़पेपर होता है जिसमें दोनों तरफ से बराबर होता है। देखो जस्टिफाई में दोनों तरफ, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से सेम नजर आ रहा है। इनकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L की सहायता से हम लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं। Ctrl+L, Ctrl+E से सेंटर में, Ctrl+R की सहायता से राइट में ले जाया जा सकता है। और Ctrl+J जस्टिफाई की सहायता से जस्टिफाई किया जा सकता है। यहाँ हमें लाइन स्पेस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लाइन स्पेस डल रहा है। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस हमें 1.15 मिलता है। और यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग होती है बिफोर और आफ्टर। यहां से आप पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। आगे है अपना बुलेट। यहां से बाय डिफॉल्ट बुलेट हमारा नॉन रहता है। यहां से आप बुलेट दे सकते हो। और यहां न्यू बुलेट में जाके आप और भी बुलेट निकाल सकते हो। यहां आपको सिंबल दे रखते हैं। यहां देखिए, यहां से आप कोई भी बुलेट चूज कर सकते हो। आगे हमारी नंबरिंग है। नंबरिंग लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सिलेक्ट करके कोई भी नंबरिंग लगा दो। जैसे ही आप एंटर करोगे नंबरिंग ऑटोमेटिक आती रहेगी। आगे मल्टी लेवल लिस्ट है। जैसे मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, कोई भी लिस्ट मैं चूज कर लेता हूँ तो इसमें मैं टाइप करता हूँ आगे इस तरह से। और मल्टी लेवल लिस्ट में इनको सिलेक्ट करके मान लो कि ये इसी के पार्ट है तो इसे हम आगे इंटेंड करेंगे तो ये लिस्ट के रूप में आ जाएगा। जैसे हमारे फलों के नाम होते हैं, मैंने लिख लिया फलों के नाम। फलों के नेम में एप्पल हो गया, बना। अब एक फलों के नाम में इन दोनों को हमें नीचे लगाना है तो सिलेक्ट करके लेफ्ट इंडेंट करेंगे तो ये इस तरह से नजर आ जाएगा। देखते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। Ctrl+Shift+G की सहायता से मैंने जूम किया है। ये देखो इस तरह से ये हो जाएगा। इनकी सहायता से आप थोड़ा राइट में, लेफ्ट में इस तरह किसका सकते हैं थोड़ा करने के लिए। बाकी तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। ये आपका शॉर्ट का ऑप्शन है। शॉर्ट का ऑप्शन हमारा कैसे काम करता है, जैसे मैंने कुछ नंबरिंग लिख ली, मान लो ये नंबरिंग है हमारे पास। मैं इनको जूम कर देता हूँ, अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। ये नंबरिंग है 3, 4, 5, 6। अब इनको मैं सॉर्ट करता हूँ। यहाँ से देखो सॉर्टिंग हम A to Z और Z to A कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग में डिसेंडिंग करोगे तो ये देखो उल्टा हो जाएगा 6 से 3। और आप असेंडिंग करते हो तो ये 3 से 6 हो जाता है। इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो। अब आगे है आपका
ये ऑप्शन कलर के लिए थीम कलर है, यहाँ से आप थीम कलर दे सकते हो जिससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। या आप बॉर्डर लगा सकते हो, किसी भी ऑल बॉर्डर आप दोगे इस तरह से आपके पास बॉर्डर लग जाएगा। और भी आप चूज कर सकते हो बॉर्डर इसके अंदर, मान लो आपके पास कुछ पैराग्राफ है, ये आपके पास पैराग्राफ है और आप सिंगल लाइन को बॉर्डर देना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो और इसको आप बॉर्डर दे सकते हो। ये देखो ओनली इस लाइन को बॉर्डर लगा है, इससे आप पैराग्राफ या लाइन या पेज में भी बॉर्डर डाल सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ होता है आपका शो एंड हाइड का ऑप्शन, इसको क्लिक करते ही जहां जहां एंटर लगाया वहां वहां ये उल्टा पी आ जाता है और जहां स्पेस लगाया वो बिंदी आ गई डॉट करके। अगर आप कहीं भी टैब दबा के स्पेस दे रहे हो, देखो मैंने टैब दबाया है, टैब की इस तरह से एरो की आ जाती है, आगे स्टाइल्स दी रहती हैं, आप इनमें परिवर्तन यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं स्टाइल की सहायता से। यहाँ आपके पास अगर स्टाइल्स और होती, अगर आपको इन्हें स्टाइल्स में चेंज करना है तो यहाँ से सेट स्टाइल की सहायता से आप यहाँ का कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ कुछ परिवर्तन डालता हूँ, यहाँ से आप स्टाइल सेट कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट कलर में परिवर्तन कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट में परिवर्तन कर सकते हो, नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ से अलग अलग फॉन्ट आप चूज कर सकते हो, आपको यहाँ से काफी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग है, जितना भी आप स्पेस डालना चाहते हो पैराग्राफ में यहाँ से स्पेस डाल सकते हो, और यहाँ से भी आप पैराग्राफ स्पेस डाल सकते हो, और यहाँ से भी आप पैराग्राफ स्पेस डाल सकते हो।